जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा के क्रम में आज हम लोग आए हैं प्रशांत विहार दिल्ली में, और हमारे साथ हैं सरकारी सेवा से निवृत्त गोयल सर, जो 72 वर्ष की उम्र में युवा है। थोड़ी परेशानी है घुटने की, लेकिन फिर भी इतना हरा भरा खेती और बागवानी कर रहे हैं। सर, जीवन के प्रति जो आपका नज़रिया देख रहा हूँ वो बड़ा सकारात्मक है, और इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं? पॉजिटिव रहना ही चाहिए। पॉजिटिव रहने से बहुत कुछ बीमारियों से आदमी दूर रहता है, बहुत कुछ मानसिक तनाव से दूर रहता है। और आज के समय में जो ये पर्यावरण की इतनी दुखी हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, मास्क लगा के घूम रहे हैं, और बताया जाता है कि इस पर्यावरण में तो अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो लगता है कि हम 25-30 सिगरेट पी रहे हैं एक दिन में, कुछ इतना ज़्यादा धुआं अंदर चला जाता है। उस सबको बचाने के लिए हमारी तो यही मुहिम है कि कोशिश करें हम सबको इस तरह से एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए, उसके लिए पेड़ पौधे लगाएं, जिससे की जो हवा है वो वातावरण में शुद्ध करें वातावरण को, और जो भी हमारा किचन वेस्ट का कचरा है वो भी बाहर ना जाए, जिससे एक कूड़े के पहाड़ बन रहे, एक कूड़े के पहाड़ भी ना बने। वो जो कचरा है उसको ही हम अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल करें, वो बड़ा अच्छा करके कंपोस्ट बन जाता है, और ये सब कुछ चल सकता है। इसको हर आदमी को चाहिए कि कम से कम रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को समाज के सेवा में लगाने के लिए, इससे अच्छा तो मैं समझता हूँ कोई काम नहीं है। और ये बड़ा अच्छा चल रहा है, खुद भी खा रहे हैं, हम ये सब्जियाँ उगा रहे हैं, चाहे वो टमाटर है, भिंडी है, बैंगन है, मिर्ची है, या मूली है, जैसे मूली लगी है, या गाजर लगी है, आजकल शलजम लगी है, ये सब कुछ हम उगाते हैं और खुद ही खाते हैं, तो जिससे बाहर का भी जो केमिकल वाला जो सब्जी है वो हम नहीं खाते, उससे भी हमारा बचाव हो जाता है, और सभी अगर ऐसा करें तो सभी का बचाव हो जाएगा, और वातावरण भी अच्छा होगा, और शरीर भी अच्छा होगा, और मन भी अच्छा होगा, बच्चे भी हमारे स्वस्थ बनेंगे। ये सब बातें अच्छी हैं, इसी तरह से मैंने सोच करके ये सब अपने आप को इसमें बिजी कर लिया है, और इससे कि मुझे कोई और चिंता भी नहीं रहती। जब भी दिमाग में सुबह भी 2 घंटे 4 घंटे, शाम को भी, तो मैं इसी में बिज़ी रहता हूँ, और इसकी वजह से मैं खुश भी रहता हूँ, और इनसे बातें करता रहता हूँ पेड़ पौधों से, और बड़ा अच्छा लगता है। यही मेरा तो जीवन का लक्ष्य बन गया है। तो ये इंटरव्यू हमारा चौथी मंजिल, आपके मकान के चौथी मंजिल से हो रहा है, और आप पहली मंजिल पे रहते हैं, तो आने जाने में तकलीफ़ के बावजूद ये इतना सारा हरा भरा सब कुछ हर सीजन में कर पाते हैं। तो हमने देखा नीचे तीसरी मंजिल पे आपका एक बड़ा एक रूम पूरे प्रयोगशाला के रूप में आप यूज़ कर रहे हैं, तो बताएं आपकी इंजाइम या कंपोस्ट ये किस तरीके से, संक्षेप में बताएं कैसे बनाते हैं? देखिए, एंजाइम तो जो भी हम फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, या हल्दी है या कुछ, इनसे हम एंजाइम बना सकते हैं। उसके अंदर में कुछ फार्मूला है कि तुम जिस भी चीज़ का एंजाइम बनाना है, 300 ग्राम वो पीस लेते हैं, 100 ग्राम उसमें घोल डालते हैं, और 1-2 लीटर की बोतल के अंदर में करीब 1.25 लीटर पानी डाल के उसको हम रख देते हैं, और वो करीब 3 महीने के अंदर में उसका एंजाइम बन जाता है, और उस एंजाइम को हम पेड़ पौधों में केमिकल उसका मच्छरों मारने के लिए या कुछ उसकी बढ़ावट के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अच्छा बन जाता है। और ऐसे ही किचन कंपोस्ट बनाते हैं, तो जो रसोई में सब्जी वगैरह काटते हैं उसका जो छिलका बचता है, उस छिलके को हम एक प्रोसेस के हिसाब से उसमें डाल के, और वो 3-4 महीने 5 महीने उसी में रखते हैं, रोज़ाना का कचरा उसके अंदर डालते रहते हैं, जब भर जाता है तो दूसरा बिन ले लेते हैं, और वो इस तरह से बना के 5-6 महीने के अंदर में वो कचरा भी खाद में बदल जाता है जो हमारे पेड़ पौधों में। शुरुआत के दौर में आपने काफ़ी स्ट्रेस झेला, आपको एकाएक ये सफलता नहीं मिली, अब तो आप इस मुकाम पे हैं कि बहुत लोगों को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, और हम लोगों ने कई बार यहाँ ट्रेनिंग अरेंज भी किया है, तो शुरुआती स्ट्रेस को आपने कैसे ओवरकम किया? शुरुआत में हमारे यहाँ भी 4 साल पहले कुछ नहीं होता,
हम कोशिश करते थे पर लगाते थे कुछ निकलता नहीं था। तो वो बाई चांस एक बार किस्मत हमारी अच्छी है कि एक बार मिश्रा जी से जो कि इसी काम में लगे थे उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद में उनसे जो साथी बने हमारे वो, और उन्होंने मेरे को चैलेंज लिया कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, मैं आप इसमें कुछ उगा के दिखाऊंगा। फिर इन्होंने जो चैलेंज लिया और उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ने लगे। और फिर उगने क्या लगा, अब तो पूरा खेत बन, अब तो कोई कोई बात ही नहीं है। तो लगभग यहाँ करीब 200 गमले होंगे जी। हाँ जी, करीब करीब 250 गमले हैं, और जिसमें सभी कुछ, चाहे फूल भी हैं, फूल पत्तियाँ भी हैं, और सब्जियाँ चारों सब सेम लगी हुई है, बैंगन लगे हैं, टमाटर लगे हैं, मूली लगी है, और गाजर लगी है, बहुत सारे फल हैं, चाहे वो नींबू का है, चाहे अमरूद का है, चाहे शहतूत का है, सहजन है, ये इमली है, कई सारे फूल लगे हैं। और वो उसी की वजह से आज ये सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो आप जो रिटायर्ड लोग हो चुके हैं, जो आमतौर पर मैं पाता हूँ कि कई लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन से दूर होने का ये एक मेडिसिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये मेडिसिन ही है, ये मेडिसिन ही है। डिप्रेशन में तो कुछ मतलब ही नहीं, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और इनके साथ तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाते हैं, जब यहाँ आते हैं इनको हरा भरा देखते हैं तो मन खुश होता है। और अगर कोई कहीं लगता है कि भाई इसमें कुछ परेशानी है, इसको कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसको कोशिश करते हैं ठीक करने की, जो भी है वो ठीक करते हैं, और बड़े अच्छे लगते हैं। और डिप्रेशन की कोई बात नहीं, रिटायरमेंट के बाद में अगर कोई वाकई अगर उसके पास समय है और वो लगता है तो ये इससे अच्छा, तो मैं समझता हूँ समाज सेवा भी है और खुद की सेवा भी है, बच्चों की सेवा भी है, सभी कुछ है। और कचरे का पहाड़ बनने से बच जाता है हमारा, जो है काम भी सब कुछ इस्तेमाल होता है, बिना पैसे के खेती हो जाती है सर। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने लाख रुपया लगा लिया या 50,000 मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया और आमदनी इससे कुछ भी नहीं है, उनके लिए आप क्या? नहीं देखिए, ये आमदनी के लिए तो नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है। इनिशियली आपका खर्चा है, ये गमले भी खरीदने हैं आपको और उसके स्टैंड वगैरह ये सब कुछ बनाना पड़ता है, तो वो इनिशियली तो 6-7 लाख रुपया लग जाता है उसके अंदर, लेकिन बाद में तो उसके अंदर मज़े ही मज़े हैं, उसमें कोई खर्चा और है ही नहीं। किचन की कंपोस्ट से आपको खाद बन जाती है, एंजाइम से आपकी दवाइयाँ बन जाती हैं, और तो उसका एनर्जी के लिए भी बन जाता है, तो इसलिए और बाकी का कोई खर्चा नहीं है, केवल शुरू की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि सर का एक वीडियो 3G 4G कटिंग पे भी हम लोग आगे प्रवीण मिश्रा जी के YouTube चैनल पे डाल चुके हैं, तो सर का ये दूसरा या तीसरा, संभवतः तीसरा वीडियो हम लोग डालेंगे। तो सर काफ़ी सफल बागवानी के एक दिल्ली के अंदर आधार स्तंभ हैं। तो सर आप हम लोगों से अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, तो और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो दो शब्द और बता दीजिए। नहीं, बहुत ठीक है, आपने जो पहले भी जो जैसे लिया है 3G कटिंग के लिए, वो भी मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं 3G कटिंग, और 3G कटिंग से एक ही पौधे से आप 3-4-5 पौधों का यील्ड ले सकते हैं, जितनी मूल जितनी जो तोरी है या घिया है वो जो एक पौधे से लेते हैं, अगर 3G कटिंग करें उस एक ही पौधे से 3-4 पौधों के बराबर आपको घिया और तोरी मिल जाएगी। ये अलग से सिस्टम है, बाकी सबके लिए देखिए यही है कि अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से ये सब कुछ लगाएं करें, और जिससे कि एनवायरनमेंट भी अच्छा हो और आपको खाने के लिए भी बिना केमिकल की सब्जियां मिलें और बिना केमिकल के फ्रूट्स मिलें, तो जिससे कि आप और आपके बाल बच्चे वो खुश रहें। और तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ हम ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं, और जीवन की जीवन एक यात्रा है कि कड़ी में फिर से दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।